एक समय निवी सात्विक के सौम का दिया अठासी हजार सूजी से पूछा, हे सूजी, इस कलयुग में वेद विद्या रहित ईश्वर भक्ति किस प्रकार मिलेगी तथा उनका उद्धार कैसे होगा। हे मुनि श्रेष्ठ, ऐसा कोई अथवा तप बतलाए जिससे थोड़े समय में गुण प्राप्त हुए अनुवांछित फल मिले, कथा सुनने की है हमारी प्रबल इच्छा है। इस प्रसन्न शास्त्र ज्ञाता श्री सूजी ने कहा, हे वैष्णव पूज, आप सभी ने प्राणियों के हित के कल्याण की बात पूछे हो, अब मैं से आप लोग से कहता हूँ प्राणियों के हित के कल्याण की बात पूछे हो। श्रेष्ठ आप लोग से कहता हूँ जिस श्रेष्ठ मुनि नारद जी ने लक्ष्मीपति नारायण से पूछा था और लक्ष्मीपति ने नारायण भगवान ने मुनि से नारद जी से बतलाया था, आप सभी ध्यान से सुने। विशेष नारद दूसरे के कल्याण है तो सभी लोगों में घूमते हुए त्रिलोक में आ पहुँचे। सभी योनियों में जन्मे सभी मनुष्य अपने कर्मों के द्वारा अनेक कष्टों से घिरे पीड़ित देखा, सोचा किसी हमको करने से निश्चय ही प्राणियों का कष्टों का निवारण हो सकता है। ऐसा मन में विचार कर नारायण विष्णु लोग गए और वहाँ चार भुजाओं वालों को देखकर नारायण जी के हाथ में शंख गदा पद्म तथा वनमाला पहने देखकर स्तुति करने लगे नारद जी ने कहा, हे भगवान, आप शक्ति से संपन्न है, मन तथा वाणी में आपका नहीं पा सकता हूँ, आपका नया स्वरूप है, भक्तों को कष्टों को दूर करने वाले हो, आपको मेरा सत सत नमस्कार है, आपको मेरा सत सत नमस्कार है। नारद इस प्रकार के प्रार्थना सुनकर विष्णु भगवान जी बोले, हे योगीराज, आपके मन में क्या है, आप किस काम के लिए आगमन हुआ है, तब निरंकोच होकर कहो। तब नारद मुनि बोले, सब मनुष्य जो अनेक योनियों में पैदा हुए हैं अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेक प्रकार के कष्टों से के कारण दुखी हैं। स्वामी, यदि आप मुझ पर दया रखते हो तो बतलाइए उन मनुष्य को सब कष्टों थोड़े से यज्ञ से कैसे दूर हो सकता है। श्री विष्णु भगवान जी ने कहा, हे नारद, मनुष्य के भलाई के लिए तुमने बहुत उत्तम प्रश्न किया है। जिस वक्त को मैंने मनुष्य मुँह से छूट जाता है बहुत मैं तुमसे कहता हूँ, सुनो, अपने पुण्य दान करने वाले स्वर्ग तथा लोक में दोनों में उत्तम भक्त है। आज मैं प्रेम वर्षो का सत्यनारायण भक्त विधि विधान संपन्न करने पर मनुष्य के धरती पर सभी प्रकार के शुद्ध होकर मरने पर मोक्ष को प्राप्त होता है। ऐसा वचन सुनकर नारद मुनि बोले, हे भगवान, मिलता है इससे पहले किसने इस व्रत को किया है और किस दिन यह व्रत करना चाहिए, विस्तार से कहिए। भगवान जी बोले, कृपा करके विस्तार से समझाइए। विष्णु भगवान ने कहा,